प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। कि जैसे पहले पुराने समय में 10-20 परिवार किसी तालाब का आश्रय लेकर उस पर आश्रित हो जाते थे, उसी से सिंचाई करते थे, ऐसे मेहनत बहुत करते थे, पहले ऐसे हाथों से पानी सिंचाई करके कुछ क्षेत्र को बीज लेते थे, उसी तालाब से पानी पीते थे, जल पीते थे, उसी में नहाते धोते पशुपालन करते थे। अब छोटा जलाशय, छोटा तालाब दो एक वर्ष वर्षा ना हो वो सूख जाता है, उस पर आश्रित व्यक्ति भी त्राही त्राही करने लग जाते हैं, अर्थात वो पर्याप्त जल नहीं है। जल बुरा नहीं है लेकिन पर्याप्त नहीं है। फिर यू बताया कि उस तालाब के स्थान पर एक बहुत बड़ा जलाशय प्राप्त हो जावे, एक बहुत बड़ी लेक, बहुत बड़ी झील, जिसमें 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी जल समाप्त ना हो, और उन परिवारों को वो जलाशय नजर आ जा तो ठाका अपने सारे गुदड़गा बेना और वहां जा बैठेंगे उसके किनारे, वो छोड़ देंगे उस छोटे जलाशय को, तुरंत त्याग देंगे। अब कहने का भाव यह कि वो छोटा जलाशय में जल बुरा नहीं था लेकिन वो अपर्याप्त था, उसके आश्रित हम सुखी नहीं रह सकते थे, और जब इतना बड़ा जलाशय मिल गया फिर कौन पीछे रहेगा। ऐसे ही इस तत्व ज्ञान की रोशनी में जब आपको परमेश्वर कबीर देव पूर्ण पर पूर्ण ब्रह्म की महिमा आपके समक्ष होगी, आप तुरंत त्याग दोगे इस छोटे जलाशय को, अर्थात इन अन्य देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवताओं में आते हैं, और गीता जी में यही प्रमाण दिया है कि जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो उन्हीं के लोक में चले जाते हैं और वहां से फिर अपने पुण्य को समाप्त करके तुरंत ही जन्म मृत्यु के गेड़ में चक्कर में फिर डल जाते हैं। यही प्रमाण देना चाहता था दास कि काल ये कहता है कि जो साधना ये साधक करते थे उससे परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, उससे परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। जैसा कि आपने पढ़ा कि भगवान विष्णु जी ने 12,000 दिव्य वर्ष तक घोर तप किया और भगवान के दर्शनार्थ, लेकिन दर्शन नहीं हुए। फिर इन्होंने अपनी सोच की थ्योरी सिद्धांत बना दिया, भगवान तो निराकार है, परमात्मा तो निराकार है, और जो शिव रूप में उनके सामने प्रकट हुआ वो मान लेते हैं कि ये शिव जी अब हमारा ही साथी भाई है, ये भगवान है, ये हमें छुपा रहा है। ऐसे अन्य साधकों को ये काल धोखा दे देता है, उनको विष्णु रूप में दर्शन दे देता है तो उसको ये नारायण मान लेते हैं, किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन दे देता है, लेकिन इसका वास्तविक जो रूप है उसमें ये दर्शन किसी को नहीं देता, अर्थात इसकी वास्तविक प्राप्ति, इसकी प्राप्ति नहीं होती वेदों में वर्णित विधि से। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में कहा कि अर्जुन ये है मेरा वास्तविक रूप, काल रूप, विराट रूप, मैं काल हूं, और इस मेरे रूप की प्राप्ति तेरे अतिरिक्त ना तो पहले किसी ने देखा और ना आगे कोई देख सकता, ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। इति सिद्धम के वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। आगे इसी 11वें अध्याय के 50-52 में कहा है कि मेरी प्राप्ति के लिए जो यत्न करते हैं प्रेमी भक्त, उनको मैं अपनी कृपा से किसी को अपनी कृपा से ही वो मुझे प्राप्त करते हैं। कैसे, जैसे किसी को शिव रूप में दर्शन दे दिए, किसी को किसी रूप में, और जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को विमान में बैठा कर ऊपर दिखा दिए दूर से,
एक एक ब्रह्मा और देखा, एक विष्णु और देखा, एक शिव और देखा, कहते ऐसे प्राप्ति मेरी उनको सुलभ है जो मेरे अनन्य भक्त हैं, लेकिन यथार्थ ज्ञान ये किसी को नहीं देता। तो पुण्यात्माओं, जब परमात्मा कबीर देव जी यहां पर आते हैं, इस अज्ञान सिद्धांत के आधार पर कि परमात्मा निराकार है, हम परमात्मा को नहीं पहचान पाते। और परमेश्वर स्वयं कहते हम ही अलग खला है, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक दनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमरे तीर, दास गरीब अधर बसूं अवगत सत कबीर। अब परमात्मा आकर कहते थे कि मैं ही सृष्टा हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं और सारी सृष्टि मेरे आधार है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। और वही परमात्मा खुद कह रहे हैं कि मैं सृष्टा और सृष्टि मेरे तीर मेरे आधार है, और दास गरीब अधर बसूं। कबीर जी कहते हैं कि कह कबीर मैं ऊपर रहता हूं, सतलोक में बसता हूं, मेरा मैं अवगत सत कबीर, अवगत गुप्त हूं, जिसकी सतीति से कोई परिचित नहीं है, मैं वो सत कबीर हूं, अविनाशी कबीर हूं। लेकिन ये बात, ये ज्ञान देने वाले केवल एक परमात्मा, और अज्ञान अंधेरा छाने वाले लाखों और करोड़ों, जिस कारण से परमात्मा को नहीं पहचान पाए अभी तक। परमेश्वर ने काल के साथ वायदा किया था, जब परमात्मा कबीर जी सर्वप्रथम यानी सतयुग के अंदर अपने पुत्र सहजदास, कभी जोगजीत, कभी अचिंत, कभी ज्ञानी का रूप धारण करके इस काल के लोक में प्रवेश करते हैं, तो काल उस समय तपतशिला के ऊपर 100,000 मानव श्रीधारियों को भूना जा रहा होता है। परमात्मा वहां आकर खड़े हो जाते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में वो तपतशिला की अग्नि उन तपतशिला पर डाले हुए जीवों को, प्राणियों को, उनको तपत लगनी बंद हो जाती है, लेकिन टुकड़ी वो तपतशिला ज्यों की तो गर्म होती है। जब उनकी गर्म, उनको वो जैसे तड़प रहे थे गर्मी में, उबल रहे थे, और जिस समय वो तपत बंद हो गई उनको लगनी परमात्मा की कृपा से, तो वो बैठ गए उस तवे के ऊपर, तई के ऊपर, और सामने देखा वो चंद्रमा सा चेहरा कबीर भगवान का, पूर्ण परमात्मा, उनके दर्शन मात्र से आत्मा प्रसन्न हो गई। और सभी ने सोचा ये भगवान आ गया, हमें बचाएंगे, भगवान आ गए अब हमें बचाएंगे, ये तो यम के दूत यहाँ पर डाल रहे होंगे हमको, जैसा सुना सुनाया था। तब उन्होंने कहा हे परमात्मा हमें बचा लो, हे परमात्मा हमें बचा लो, हमारे को कौन सी करनी का दंड यहाँ दिया जा रहा है। तब परमात्मा ने कहा जिस करने का तुम्हें, जिस पाप कर्म का तुम्हें यहाँ दंड दिया जा रहा है, वो करनी तुम्हारी सतलोक में बिगड़ी थी। परमात्मा ने सारी सृष्टि रचना सुनाई कि तुम बच्चों सतलोक में रहा करते थे, तुम मेरे पास रहा करते थे, यहाँ इस काल ने तुम्हारे को मेरे से दूर कर लिया। परमात्मा ने उन्हें सृष्टि रचना सुनाई। सृष्टि रचना कैसे है कि परमात्मा कबीर जी, कबीर देव सबसे पहले सदा से अनामी लोक में, अकेले लोक में अकेले रहते थे। फिर उन्होंने अपनी स्वइच्छा से 3 और लोकों की स्थापना की, अगम लोक, अनामी लोक से यानी अकेले लोक से नीचे का अगम लोक, फिर अलख लोक, और फिर उससे चौथे नंबर पर सतलोक। अब परमात्मा कबीर देव ने ही अन्य 3 रूप और धारण किए,
अलख लोक अगम लोक में अगम पुरुष नाम से विराजमान हो गए, अलख लोक में अलख पुरुष नाम से, और सतलोक में सत्य पुरुष नाम से। पुरुष माने प्रभु, सत्य पुरुष नाम, सतरूप सत्य पुरुष उपमा उपमा से उपाधि से यानी पोस्ट से वहां उपस्थित हुए और सतलोक में सत्य पुरुष नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका ये पद है, वास्तविक नाम उनका कबीर देव ही है। सतलोक के अंदर परमात्मा ने एक शब्द से 16 द्वीप बनाए और फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनमें से एक का नाम अचिंत भी है। अचिंत से कहा कि आप सृष्टि रचना से सृष्टि रचना करो। अचिंत ने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। अब आप गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 पर दृष्टि ध्यान रखना, जैसा कि आपको बार बार दिखा जाता है। उसमें एक अक्षर पुरुष है, एक क्षर पुरुष है सर पुरुष, और तीसरा ये पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म। तो अक्षर पुरुष की उत्पत्ति अचिंत ने परमेश्वर कबीर देव की आज्ञा से की, उन्हीं से की, दी हुई शक्ति से की। अचिंत ने वहां एक मान सरोवर बना हुआ है जो प्रभु ने अपने वचन से उन लोगों के साथ ही बनाया। उस मान सरोवर में जाकर के स्नान करने गया था, वहां जाकर सो गया, निंद्रा आ गई उसको। वहां श्वासों से शरीर नहीं है सतलोक में, काफी समय तक ये अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म बाहर नहीं आया। तब परमात्मा ने उस अमृत सरोवर से जल लेकर और उसको अपनी शक्ति से उस ऐसे जल में उछाला, उसका एक अंडा बन गया। उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश कर दी अपने वचन से, और वो अंडा गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे को गया। उस गड़गड़ाहट की आवाज़ से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हो गई, और जो ही अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई, जैसे कच्ची जो अधूरी निंद्रा जाग जाता है उसको कुछ दुख सा होता, क्षोभ होता है, वो अक्षुब्ध होता है। उसने उस दृष्टिकोण से कि किसने मुझे जगा दिया, क्रोध कुछ क्रोध युक्त दृष्टि से देखा, जिस कारण से अंडा दो भाग हो गया, फूट गया। उसमें से एक ये क्षर पुरुष निकला, ये ज्योति निरंजन ब्रह्म निकला। परमात्मा ने आकाशवाणी की कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तो निंद्रा में था, तुझे जगाने के लिए ये सब लीला मैंने करनी पड़ी, बाहर आओ। दोनों बाहर आए, उनसे कहा कि जाओ तुम अचिंत के लोक में रहो। तीनों जने एक ही द्वीप में रहने लगे। उसके बाद परमेश्वर कबीर देव ने कहा, अचिंत और जितने भी वो 15 और पुत्र थे सबको इकट्ठा करके, कि इसलिए तुम्हारे को मैंने थोड़ा सा ढीला छोड़ा था कि तुम सृष्टि नहीं रच पाओगे, तुम समर्थ नहीं हो, कहीं बीच में टांग अड़ा बैठो, अपने आप को भगवान मान बैठो। और अचिंत से वो शक्ति वापस ले ली और कहा, मैं ही सारी सृष्टि रचूंगा। ये उदाहरण दिया था परमात्मा ने, कहीं ये अपनी अपनी डफली बजान लग जा शेष और काम बिगाड़ दें, तो वो अचिंत शांत हो गया और कहा, प्रभु मेरे बस से बाहर की बात है। तब परमेश्वर कबीर देव ने हम सभी आत्माओं को जो सतलोक में हैं और यहाँ काल के लोक में जो दुखी हो रही है और जो सतलोक में आनंद से रह रही है, उन सभी को अपने वचन से बाहर सबको वहाँ उत्पन्न किया। वहाँ हम ऐसे ही परिवार सहित रह रहे थे, अलग अलग हमारे मकान थे, बहुत सुंदर एक जैसे सबके वहाँ आहार थे, एक जैसे मकान, बहुत अच्छे सुंदर बिना नीम के नगर वहाँ पर वहाँ रहा करते थे। कुछ समय के बाद इस ज्योति निरंजन जो क्षर पुरुष, इसके मन में एक ओछी सोच जागृत हुई। इसने सोचा कि हम तीन तो एक द्वीप में और हमारे सभी भाई अलग अलग अपने ठाट से रह रहे हैं। इसने अलग से राज्य प्राप्त करने की इच्छा से और तप प्रारंभ किया। जब ये तप करने लगा, 70 युग तक इसने तप किया।
जब ये 70 युग तप कर रहा था उस समय हम सभी, हम क्यों फंस गए यहां पर, हम सभी इस ज्योति निरंजन काल के उस तप के एक्टिंग से प्रभावित हो गए और इसको दिल से चाहने लगे कि देख कितना तप कर रखा, जो हो कितना सुंदर है, क्यों ये भी तेजो में और सुंदर शरीर था इसका, ये बाद में इसका विकराल रूप हुआ जब इसको श्राप मिल गया। परमेश्वर ने आकाशवाणी की, तुम इस ज्योति निरंजन की क्रिया को मत देखो, आप मस्त रहो, ये अच्छा काम नहीं है। हम ऊपर से तो सावधान हो गए लेकिन अंदर से चाह नहीं गई उस ज्योति निरंजन को, हृदय से चाहने लगे। हम अपने पिता से विमुख हो गए, जिसने हमें वहां सब सुख दिया था, ना कोई मृत्यु थी, ना बुढ़ापा था, ना कोई काम करने को था, सुंदर सदाबहार बाग बगीचे के बहुत सुंदर मेवा वहां पर सदाबहार रहती हैं, और कोई राग द्वेष लड़ाई झगड़ा वहां कुछ नहीं था। हम उस परमात्मा जो सर्व सुखदायी सुख सागर, उससे विमुख होकर इस काल ने चाण लागे ज्योति निरंजन ने। जब इसने 70 युग तप कर लिया तो परमेश्वर ने पूछा कि अभी क्या मांगता है, क्या चाहता है तू ज्योति निरंजन। इस काल भगवान ने, छर पुरुष ने, ज्योति निरंजन ने कहा कि पिताजी ये स्थान मेरे लिए कम है, मुझे अलग स्थान दे दो, अलग खुले स्थान में रहना चाहता हूं। तो परमात्मा ने इसको 21 ब्रह्मांड दे दिए, जैसे एक साहूकार पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे खाली बगैर कंस्ट्रक्शन के। इसने 21 ब्रह्मांड प्राप्त करके निरंजन फूला नहीं समावे, कभी उस प्लाट में देख घूमका हुआ, कभी उस प्लाट में सैर सपट्टे करे। फिर इसने सोचा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, उसके लिए फिर तपस्या की। 70 युग तो परमात्मा ने पूछा क्या मांगता है तू, इसने प्रार्थना की परमात्मा कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल दे दो ताकि मैं अपनी प्लाटों में रचना कर सकूं। परमेश्वर ने इसको 3 गुण 5 तत्व ये दे दिए। अगले बेटा खेल खिलौना थे। अब इसने सोचा कि इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लूंगा तो इसमें अकेला के करूंगा, इतने बड़े बड़े प्लाटों में मेरे साथ कुछ आत्मा भी होनी चाहिए। इस उद्देश्य से इसने फिर तप प्रारंभ किया। जब 64 युग तप इसने कर लिया तब परमेश्वर ने कहा कि तूने जो मांगा था क्षर पुरुष वो मैंने तुझे दे दिया, अब क्या चाहता है। तो इसने कहा कि प्रभु हे पिताजी मेरा अकेले का दिल नहीं लगता, मुझे कुछ आत्मा दे दो। परमेश्वर को पता था, परमेश्वर कबीर देव को पता था कि ये जितने भी इसके ऊपर आसक्त हैं ये पतिव्रता पद से गिर चुके हैं, ये इस सच्चे लोक में रहने लायक नहीं रहे, ये अपने पिता अपने पति से अपने मालिक से विमुख हो चुके हैं, पतिव्रता पद से गिर चुके हैं, अब ये यहाँ रहने योग्य नहीं रहे। लेकिन उधर से अपनी आत्मा है, चाहे कितनी बुरी होगी थी तो भी पिता अक्षमा करने की मूड में ही होता है। तो परमात्मा ने कहा भी देख बात सुन, ये सब मेरी आत्मा है, मेरे शरीर से निकली है और ये मैं अपनी आत्माओं को तेरे को नहीं दे सकता, तू घना दुखी करेगा इनको, तो इनको सताएगा। तो ज्योति निरंजन ने वचनबद्ध होकर कहा कि मैं सत का राज करूंगा, जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल दूंगा, मैं सताऊंगा नहीं, बगैर किसी कर्म दंड के नहीं सजा दूंगा। तो परमात्मा बोला भी एक बात है, ये तो मैं किसी भी जप तप के बदले में नहीं दे सकता तेरे को, हाँ अगर कोई स्वेच्छा से तेरे साथ जाना चाहता है तो मुझे कोई इतराज नहीं, चले जाएंगे। इस काल भगवान ने हमारे पास आकर के कहा, पूछा, जब ये हमारे पास आया तो हम सभी जो आजकल के जाल में जो चींटी से लेकर हाथी ये पशु पक्षी जंगली जानवर और जल के कीड़े बने हैं, जीव जंतु बने हैं, ये सभी यानी रंग से लेकर देवता और इंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश तक जो आत्माएं आज पद प्राप्त हैं काल के लोक में, ये सभी वहाँ थी।
जब ये हमारे पास आया तो हम खड़े हो गए सभी, इसके चारों तरफ मुंडरा गए इसके दर्शन के लिए, क्योंकि इसको चाह रहे थे हम अंदर से। और वही इच्छित वस्तु हमारे सामने हो तो कितनी खुशी होती है। तो इसने कहा कि मैंने पिताजी से अलग स्थान प्राप्त किया है, लोक ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, क्या आप मेरे साथ चलोगे? अब हम तो पहले ही गदगद हो रहे थे, इसको चाह रहे थे। हमने कहा कि यदि पिताजी आज्ञा दे देगा तो हम आपके साथ चल पड़ेंगे, चलने को तैयार हैं। तब इस ज्योति निरंजन ने यानी ब्रह्म ने परमेश्वर कबीर देव जी के पास जाकर कहा, प्रभु कुछ आत्मा मेरे साथ जाने को जाना चाहती हैं, वह सब इच्छा से जाना चाहती हैं। परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने हाँ भरवा दे, मेरे सामने स्वीकृति दिला तब मैं मानूंगा। परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म और ये ब्रह्म वहां आगे हमारे पास। तो परमात्मा ने कहा भी जो ज्योति निरंजन इस ब्रह्म के साथ जाना चाहता है वो अपनी हाथ खड़ा करके स्वीकृति देव है। अब परमात्मा के सामने अपने पिता के सामने शर्म लगी सबको, नीची गर्दन कर ली, कोई नहीं बोलिया। तो परमात्मा ने कहा भी ज्योति निरंजन कोई भी नहीं जाना चाहता, तू कह रहा था मेरे साथ स्वेच्छा से कुछ जाना चाहते हैं, ये तो सन्नाटा छा गया। परमात्मा ने कहा भी बोलते क्यों नहीं, कौन जाना चाहता है? तो उस समय एक आत्मा खड़ा हुआ। सबसे पहले एक आत्मा ने हिम्मत की कि मैं जाना चाहता हूं। अब फिर बाकी क्या ना सोची कि दे तुम पीछे रह जाओ और यू एकला लूट ले लूट सारी वहां पर काल के लोक में, ब्रह्म के लोक में। तो सब ने स्वीकृति दे दी दोनों हाथ करके, मैं भी। परमात्मा बोला भाई ठीक है, जितने भी इन प्राणियों ने, जितने भी हंस आत्माओं ने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है, इनके नंबर मेरे कंप्यूटर में फीड हो गए, मेरे पास नोट हो गए। ज्योतिनेन्द्र तू जा अपने लोकों में, ये 21 ब्रह्मांड वहीं थे सतलोक के एक कोने में थे अलग से दूर, और मैं इन सभी आत्माओं को, परमात्मा ने कहा मैं सभी आत्माओं को अपने हिसाब से तेरे पास भेज दूंगा ताकि तुझे सृष्टि में एकदम बाधा ना बने। तो परमेश्वर ने क्या किया, ज्योति निरंजन ब्रह्म चला गया। परमात्मा ने क्या किया कि उस जो सबसे पहले जिस हंस आत्मा ने स्वीकृति दी थी उसकी एक सुंदर युवा लड़की बना दिया, लेकिन उसको प्रजनन इंद्री नहीं लगाई, बाकी सर्वांग स्त्री वाले स्त्री रूप बना दिया सुंदर लड़की का। और हम सभी आत्माओं को सूक्ष्म रूप बनाकर, सूक्ष्म रूप ऐसा होता है जो हवा में जीव घूमते हैं लेकिन हम नहीं देख सकते, दूरबीन से देखे जाते हैं, उससे भी सूक्ष्म दूरबीन भी नहीं देख सकती, इतने सूक्ष्म रूप में बीज है, बीज रूप में है आत्मा। तो ऐसा सूक्ष्म रूप बना करके उस जो उसमें जैसे उस लड़की के अंदर प्रवेश कर दिए और उससे कहा कि बेटी मैं तुझे वचन देता हूँ, एक शक्ति देता हूँ, वचन शक्ति के तू जितने भी जीव नर और मादा बनाना चाहेगी अपने वचन से उतने ही तू उत्पन्न कर देगी। और जा उस ज्योति निरंजन के पास जा, अपने पुत्र सहज दास को भेज दिया साथ उस लड़की को सतलोक उस निरंजन के पास छोड़ आने के लिए। अब सहज दास उस युवा लड़की को अपनी बहन को लेकर के ज्योति निरंजन के पास गया और ज्योति निरंजन को जाके बताया कि पिताजी ने सभी आत्माओं को इस बहन के शरीर में प्रवेश कर दिया और इसको वचन दे दिया है कि जितने भी जीव तू कहेगा ये उत्पन्न कर देगी नर और मादा। यूं कहकर के सहज दास वापस आ गया, लड़की को वहीं छोड़ा। अब युवती होने के कारण उस लड़की का रंग रूप बहुत निखरा हुआ था, परमात्मा ने यह भी देखना था कि यह ज्योति निरंजन कितना गिर सकता है। अब ज्योति निरंजन के मन में विषय वासना उत्पन्न होगी, गंदे विचार उत्पन्न होने लगे, उसने दुर्गा के साथ अभद्र व्यवहार शुरू किया। वो लड़की प्रकृति देवी दुर्गा इस नाम से आगे चलकर प्रसिद्ध हुई, उसको आधी माया भी कहते हैं अध्या। अब इस प्रकृति देवी के साथ उसने दुर्व्यवहार करना शुरू किया, किसने, ज्योति निरंजन काल ने, ब्रह्म ने। लड़की ने कहा कि ज्योति निरंजन
मेरी एक अर्ज सुन ले, मेरे को पिताजी ने वचन शक्ति दे रखी है, जितने जीव तू कहेगा मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी, और तू मेरे साथ ये जुल्म ना कर, और दूसरे तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, क्योंकि तू हमसे पहले परमात्मा की वचन से अंडे से उत्पन्न हुआ था, परमात्मा का तू भी पुत्र है, उसके बाद हमारी उत्पत्ति हुई, मैं तेरी छोटी बहन होगी, और बहन भाई का ये पाप मैथुन बहुत महापाप है, घोर पाप है, तो ऐसा जुल्म मत कर। लेकिन इसके अंदर ऐसा भूत सवार हुआ कि एक कामदेव के वश होकर के इसने आगा पीछा कुछ नहीं देखा, हद से ज्यादा बढ़ गया। अब लड़की ने अपनी इज्जत की कोई और सुरक्षा का कोई और विकल्प ना देखा तो क्या किया, जो ही इसने बदतमीजी से हंस रहा था, मजाक के रूप में मुंह खोल रखा था, उस मुख के माध्यम से पेट में चली गई सूक्ष्म रूप बना के। अब वहां से प्रार्थना की कि पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरे साथ ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार किया। अब परमात्मा को पता था कि ये तुम्हारा खूब नाच नचावेगा ये काल, अब तुमने अपने पैर पर कवाड़ा तो मार लिया, अब देखो क्या करेगा तुम्हारे साथ ही है। परमेश्वर स्वयं ही अपने पुत्र जोग जीत का रूप बना के वहां प्रकट हो गए और जाकर के कहा कि ज्योत निरंजन सुन ले आदेश परम पिता का, आज से तेरा नाम काल होगा और 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार किया करेगा, 125,000 मानव शरीरधारी प्राणी उत्पन्न किया करेगा। लड़की को, इस प्रकृति देवी को, इस ज्योति निरंजन के शरीर से बाहर निकाला परमात्मा ने, इसका पेट पाड़ के और फिर अपने वचन से वैसा ही कर दिया। इसके शरीर से दुर्गा को बाहर निकाला और फिर आदेश दे दिया कि जा ले जा तेरे किसी ब्रह्मंडों को यहां से, और तुम्हारे जैसों के लिए यहां इस सच्चे लोक में स्थान नहीं है, जाओ यहां से, और 16 शंख कोस की दूरी पर जाकर के ये तेरे ब्रह्मांड चक्कर काटना शुरू कर देंगे, वहां रुक जाएंगे। अपुण्यात्माओं, 16 शंख कोस की दूरी पर आकर ये 21 ब्रह्मांड वहां से चल पड़े विमान की तरह, यहां आकर रुक गए और यहां फिर ऐसे चक्कर काटने लग गए। अब एक कोस लगभग 3.5 या 3 किलोमीटर के आसपास होता है। अपुण्यात्माओं, जैसे अरब खरब नील पद्म शंख उत्तर की 16 शंख कोस, फिर इसको 16 गुणा में 3 48 शंख किलोमीटर दूरी पर ये आकर रुक गए। अब ज्योति निरंजन ने फिर बकवाद करनी शुरू की, इस काल ने लड़की के साथ फिर दुर्व्यवहार किया करना चाहा। लड़की ने कहा, दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन तू आंखें खोल ले, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, और फिर मैं तेरे पेट से बाहर आई हूँ, तेरी बेटी होगी। यानी इस माया ने, इस देवी ने हर तरफ से कोशिश की कि ये बकवाद ना करे और मेरी इज्जत बची रहे, लेकिन इसने दुर्गा के साथ बलात्कार किया, अपने ही नखों से प्रजनन इंद्री, स्त्री इंद्री लगाई और 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। बड़े का नाम ब्रह्मा और रजगण युक्त किया। इस काल ने अपने एक ब्रह्मांड, प्रत्येक ब्रह्मांड में जहाँ ये सृष्टि तैयार करता है उसमें सबसे ऊपर के लोक स्थान पर एक ब्रह्म लोक बनाता है। ब्रह्म लोक को भी 2-3 भागों में, कई भागों में डिवाइड करता है। सबसे ऊपर के शिखर के स्थान पर, चोटी पर ये 3 स्थान बनाता है, एक रजोगुण युक्त प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान, सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। अब जैसे एक मकान में 3 कक्ष हों, 3 रूम कमरे हों, और उनमें एक कमरे में अश्लील पिक्चरें लगी हों, अर्धनग्न शरीर, बेहुदी तस्वीरें लगी हों,
जब वो इंसान उन उस कक्ष में जाता है तो मन में निर्विवाद आती है, वैसा ही भाव बना रहता है। और दूसरे में लगे हों, एक कमरे में साधु संत फकीरों के चित्र लगे हों, वहाँ जाते ही मन उन्हीं की कहानी सुनकर, उनके भाव को देखकर उन जैसा साधु भाव हो जाता है, एक अच्छा स्वभाव बन जाता है। और तीसरे कक्ष में लगे हों देशभक्त और शहीदों के चित्र, उनकी गाथाओं को सुनकर, उनकी महिमा को याद करके उन्हें जरूरी की तरह शरीर खोलने लग जाता है और वैसे ही विचार बन जाते हैं। ऐसे इस काल ने सुनियोजित षड्यंत्र रच के हम सभी को यहाँ फंसा रखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश समेत। इसने क्या किया है कि जो रजोगुण प्रधान क्षेत्र है उसमें ये स्वयं और साथ में इस दुर्गा को रखता है, ये स्वयं ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है, पांच मुंह बना लेता है और दुर्गा को सावित्री रूप में वहां रखता है। इन दोनों के योग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो रजोगुण युक्त हो जाता है। उस लड़के बालक को थोड़ी सी उम्र के बाद जब वो थोड़ा सा जानने पहचानने योग्य होता है, उससे पहले उसको अचेत कर देते हैं और कोमा में रख के उसकी परवरिश करते रहते हैं। उसके बाद ये दोनों सतोगुण प्रधान क्षेत्र में चले जाते हैं, वहां पर ये महाविष्णु रूप धारण करता है, दुर्गा को मां लक्ष्मी रूप में रखता है। इन दोनों के योग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम विष्णु रख देते हैं। उसको भी ऐसे ही बेहोश रखते हैं और जब वो युवा हो जाते हैं फिर सचेत करते हैं, ब्रह्मा को भी ऐसे। और फिर उसके बाद ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जाता है, स्वयं ये जटाधारी गलम सर्प इस तरह का शिव रूप धारण कर लेता है और अपनी पत्नी दुर्गा को ये वहाँ पार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के योग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऐटोमेटिकली तमोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम ये महेश रुद्र रख लेते हैं। फिर ये युवा हो जाते हैं, तब तक इनको बेहोश रखते हैं। युवा होते हैं तो विष्णु को शेष नाग की सैया पर डाल देते हैं और इसकी नाभि से कोई कमल उत्पन्न कर देता है, उधर से ब्रह्मा को उस कमल के फूल पर रख देता है और शिव जी को कैलाश पर्वत पर, और वहां से फिर इन तीनों को जागृत जगा करके इकट्ठा कर देता है और फिर दुर्गा के माध्यम से, स्वयं सामने नहीं आता, ये दुर्गा की ड्यूटी लगा रखी है कि दुर्गा इनको फिर आगे ड्यूटी बांटती है। ये दुर्गा अपने ही तीन रूप धारण करती है, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती के, अपने ही शरीर से ये तीन और देवियां उत्पन्न करती है। ये आठ भुजा तक बना सकती है दुर्गा, और ये अन्य जो इससे उत्पन्न देवी हैं जैसे सावित्री और लक्ष्मी और पार्वती, ये केवल चार भुजा ही बना सकती है, इससे अधिक भुजा ये नहीं बना सकती, ये चार भुजा के हैं। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश ये केवल चार भुजा ही रख सकते हैं, और इनका पिता जो ब्रह्मा है, जो ब्रह्म है महाब्रह्मा, जो महाविष्णु मासी रूप धारण करता है, ये 1000 भुजा तक अपने बना सकता है, इसे अधिक नहीं। और जो परब्रह्म है वो 10,000 भुजा तक बना सकता है, और परमात्मा असंग भुजा युक्त है, वो पूर्ण ब्रह्म, वो असंग भुजाएं भी बना सकता है, यानी असंग भुजा माने ताकत का प्रतीक है, जैसे पांच और स्पोर्ट की मोटर हो, एक 10 की, एक 20 की, एक थर्मल प्लांट, तो ऐसे परमात्मा जो है वो अमित ओजा, जिसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं, वो कबीर देव है, कबीर अमित ओजा। इन तीनों का ब्याह कर देती है दुर्गा, इनको एक एक राजधानी दे दी जाती है, विष्णु को विष्णु लोक, शिव को शिव लोक और ब्रह्मा को ब्रह्मा लोक। वहां बैठ करके ये तीनों देवता इस पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक के तीन प्राणियों के एक एक विभाग पर कंट्रोलर होते हैं। ब्रह्मा के अंदर वो गुण है रजोगुण, जिसके प्रभाव से ये सब जीव सृष्टि यानी बच्चे उत्पन्न करते हैं विवश होकर के, और विष्णु जी के अंदर से निकल रहा जो सतोगुण की शक्ति पावर से प्रभाव से सभी एक दूसरे में प्यार करते हैं, बेटा बेटी का
मात पिता में, भाई बहन में, पति पत्नी में, बच्चों में, अपनी संपत्ति संतान में जो मोह है, ये सतोगुण का प्रभाव है, विष्णु जी से निकल रहे, विष्णु जी की शक्ति का। और तमोगुण, जरा सी बात पर लठम लठा, ये भगवान विष्णु शिव के अंदर से निकल रहे, उस तमोगुण का प्रत्येक प्राणी पर प्रभाव है। तो पुण्यात्मा, ये सृष्टि रचना आपको सुनाई दास ने वर्बली, जो वह तपत शिलापै दुखी हो रहे उन प्राणियों को परमात्मा ने सुनाई। अब वहां तो उनके सारी समझ में आवे थी, क्योंकि उनको पता था कि जो साधना हम करते थे उससे हमें ये क्या मिला, तपत्सिला। वहां वो महा, वहां पर बड़े बड़े योगी भी थे, ऋषि महर्षि भी थे, वेदों के ज्ञाता भी थे, रोम नाम की साधक भी थे, हजारों वर्ष तपस्या करने वाले भी तपत्सिला पर भूने जा रहे थे। तो वहां तो उनके सारी समझ में आ गई जो भगवान बतावा था। तब उन्होंने कहा कि परमात्मा हमें यहां से छुड़वा दो, सतलोक ले चलो। परमात्मा बोले नहीं, ऐसे नहीं होगा, मैंने इसको वचन दिया हुआ है। वो वचन कैसे दिया था? अब क्या हुआ कि ये परमात्मा ने कहा कि जब तुम कभी मनुष्य शरीर पार प्राप्त करो और मैं या मेरा कोई संत इस तत्व ज्ञान का कहीं प्रचार कर रहा हो, तुम उसको सहर स्वीकार कर लेना और उसे उपदेश कर लेना, फिर मैं तुम्हें पार कर दूंगा। ऐसे नहीं कर सकता, तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा ऋण है इस काल का। तुम पहले ऋण मुक्त हो गए उस साधना से जो हम बताएंगे, वो इतनी कीमती आपकी साधना होगी, इतनी महत्वशाली वो साधना होगी, वो आपको बताई जाएगी, उससे तुम शीघ्र ही ऋण मुक्त होकर के मेरे पास आ सकोगे। तो वो प्राणी तो वहां से परमात्मा ने कहा तुम जाओ और देखो, वो तुम जिसको निराकार कहा करते, साधना करके छक लिए, तुम्हें दर्शन नहीं हुए, वो आने लग रहा। अब उसी समय उसका समय हो गया था। अब ज्योति निरंजन ने समय निर्धारित ऑटोमेटिक टाइम पर रखा, उसमें इतने समय तक ये तपस्या पर ये प्राणी बुनेंगे और इतने समय के बाद अपने आप वहां से उड़ा दिए जाएंगे। वो वहां तपस्या पर जल रहे प्राणी अपने वहां से उड़कर आ जाते हैं, धर्मराज के पास आकर के वो होश में आते हैं और फिर उनको आगे से जो कुछ भी, किसी को देव स्वर्ग जाना है स्वर्ग जाओ, नरक जाना नरक जाओ, राजा बनना राजा बनो, गधा बनना गधा बनो, वो तो अलग से रह गए। तो परमात्मा ने उनको बताया था, उन प्राणियों को, कि जो ये तपस्या का जो तुम्हें दंड मिला है, ये सतलोक में तुमने गलती की थी, तुम मेरे से दूर हो गए थे, पतिव्रता पद से तुम गिर गए थे और इस काल के साथ आकर के तुमने ये महान गलती की थी, उस दंड का ये भोग, ये सजा तुम्हें प्राप्त है। तब सबने कान पकड़ दिया था कि परमात्मा अब के एक बार सतलोक ले चलो, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। परमात्मा बोला वो भी देखूंगा, फिर देखेंगे। तुम माँ के पेट में होते हो जब तो तोबा बोल देते हो, बाहर जाते वह अंडी पाक जाते हो, आपत्ति होती है तब तो तुम मुझे याद करते हो और जरा से सुखी हो जाते हो तुम बकवाद याद करते हो। चलो फिर देखेंगे, जब तुम कोई मनुष्य शरीर में होगे फिर हम अपना प्रचार करेंगे, देखेंगे तुम कितना स्वीकार करते हो। तब जब वह सभी परमात्मा को निराकार बता रहे थे, प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने, कि देखो जिसको तुम निराकार ब्रह्म बोलते थे वो आने लग रहा है। अब उसका ओछा माथा, लंबे दो दांत, विकराल सा चेहरा और दो हाथों युक्त वो आ रहा है। वो दो हाथ भी बना सकता है और हजार चार हाथ, पांच आठ हाथ भी, पांच चार भी, हजार भी तक बना सकता है। तो सामने आता हुआ दिखा कि वो आ रहा है तुम्हारा निराकार भगवान। ये खुद कहता है सातवें गीता जी अध्याय नंबर 7:24-25 में कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं आता, एज इट इज। तब परमात्मा ने उन प्राणियों को भेज दिया। अब काल ने ऑटोमेटिक समय फिक्स कर रखा है कि इतने समय के बाद वो प्राणी चले गए होंगे, लेकिन परमात्मा की वजह से वो बैठे थे। प्रभु ने उनको दिखाना था कि ये है जो विघ्न की जड़। ये खुद कहता है कि ये गीता जी अध्याय नंबर 7:12-15 में कि तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है ये सब इसका मुख्य कारण मैं ही हूँ, क्योंकि इसके 100,000 मानव शरीरधारी प्राणी नित्य खाने पड़ते हैं और उनके लिए तीनों पुत्रों से, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सतीथि, तमगुण शिव जी से संहार, ये खुद उसी के लिए हो रहा है।
और ये कहता मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं, ये इनसे बाहर रहता है। अब वो तो चले गए सारे प्राणी। वो काल ने देखा कि ये जोगजीत कैसे आ गया यहां पर, इसने तो मुझे वहां से निकाला था। अब जोगजीत को देख करके, परमात्मा को जोगजीत रूप में देख करके, ज्योति निरंजन काल ने विकराल रूप धारण कर लिया, लाल आंख कर ली। नो बोला जोगजीत वहां से तूने मुझे निकाला था, मैंने तेरे आगे बहुत हाथ जोड़े थे, मन मत निकाला है, आज तू मेरे लोक में क्यों आ गया? पहले तो मुझे ये बता दे भगवान का कोई संदेश लेकर आया है क्या, वो आदेश मुझे सुना दे, फिर मैं तुझे गढ़ूंगा। अब परमेश्वर खुद खड़े थे जोगजीत रूप में, जोगजीत रूप में जो परमात्मा ने कहा कि ज्योति निरंजन सुन ले आदेश परम पिता का, मैं नीचे के ब्रह्मंडों में जाऊंगा और तूने देख के दुर्गति कर रखी इनकी, कोई गधा बना रखा, कोई गधी बना रखी, कोई कुत्ता, कोई कुतिया, किसी के हाथ कट गए, किसी कैंसर हो रही, किसी का कुछ हो रहा, और मैं जाकर के तेरे जाल का पोल खोलूंगा और उनको सच्चा ज्ञान बताऊंगा। इस बात को सुनते ही आंखें लाल कर ली और जोगजीत को मारने के लिए उसकी तरफ आक्रमण कर दिया। अब परमात्मा धर्मदास साहेब को आकर बता रहे हैं अपनी सृष्टि रचना, कहते हैं धर्मदास जिस समय मेरे ऊपर काल ने अटैक किया, मैंने भाई सतनाम का सुमरण श्वासों से शुरू कर दिया। सतनाम का जो श्वास का दो अक्षर का मंत्र है, कहते हैं ये जो मैंने तुझे दिया है इसका जाप शुरू कर दिया मैंने। इसके प्रभाव से काल ऐसे गिर गया जैसे पक्षी के पंख कट जाया करें, पड़ा पड़ा तलफ रहा होता है, इसकी मेरे ऊपर कुछ पार ना बसाई। जब इसने देख लिया कि जोगजीत के पास कोई अजब शक्ति भगवान की दी हुई है जो तेरे से वश से बाहर है, तब इसने मेरे पैर पकड़ दिए, चापलूसी का सहारा दिया, कहने लगा तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, छोटे तक गलती कराया करें, बड़े माफ करते हैं, मुझे क्षमा कर दो। अपुणात्माओं परमात्मा ने दयालु हैं उनको कह दिया ठीक है, क्षमा कर दिया। पुणात्माओं जैसे ही परमात्मा ने, वैसे सिमरण की कोई जरूरत ना थी, सांस के सिमरण की, सतनाम की, हमें बता रहे हैं कि कभी तुम्हारे ऊपर ये काल या काल के दूत ये पितर देवता अटैक करें, कोई किसी कारण पर स्थिति खराब होती दिखे तो सतनाम का सुमरण शुरू कर दियो, ये 1 किलोमीटर दूर खड़े पाओगे। ये आपको बता रहे हैं, हमें संदेश दे रहे हैं कि ये फार्मूला अपनाना तुम। तो ज्योति निरंजन ने कहा के परमात्मा आप चले जाइयो, मैं कि नट हूँ, आप तो जाओगे, संदेश है आपको भगवान का, आप चले जाना, पर एक काम करना, देखो एक वचनबद्ध हो जाओ, मेरे को श्राप लगा हुआ 1 लाख मानव श्रीधारी जीव खाने का, और आप उन सबको सच्चा रास्ता बता दोगे, वो सब चले जाएंगे, मैं भूखा मरूंगा, सतयुग आया हुआ है, सतयुग है अब, तो मुझे वचनबद्ध हो जाओ कि आप 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। हाँ, पहले परमात्मा से कहा कि तुम वचनबद्ध हो जा जोगजीत, मैं तेरे से कुछ मांगना चाहता हूँ। अब प्रभु ने कहा कि मांग ले के मांगा, क्योंकि परमात्मा को पता था मेले में बालक के मांगा करे, पिताजी जब मेले में ले जा छोटे बच्चे ने के मांगेगा, कोई कार मांग लिया खिलौने वाली है, कोई 100 ग्राम मिठाई खा लेगा, इस तो फालतू इसकी औकात ना। तो परमात्मा को पता था के मांगेगा, अकबर हो गया वचनबद्ध, मांग के मांगेगा। तब इसने कहा कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजिए, तब तुम संसार गमन कीजिए। परमात्मा बोले भाई ठीक है तथास्तु, 3 युगों में जीव मैं कम ले जाऊंगा, लेकिन चौथा युग जब कलयुग आऊंगा तब मैं अपने जीवों को ले जाऊंगा। दूसरा वचन इसने कहा था परमात्मा, जो मेरे ज्ञान को स्वीकार करे, जो मेरे संदेश वाहक संत गुरु जो मैं भेज रहा हूं उनके ज्ञान को जो स्वीकार करे वो मेरा, और आपके ज्ञान को स्वीकार करे वो आपका, प्रभु धक्का ना करियो। परमात्मा बोले ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है, जो जिसको ये नियम है हमारा, जो जिसमें आस्था होगी उसी को प्राप्त होगा। और एक दो और उसने प्रार्थना की थी कि ऐसे ऐसे होगा, वो भी आगे आने पर बताएंगे, अब इसका वो प्रसंग नहीं है, वो विषय नहीं है। जब काल ने देखा तेरा काम बन गया, वचनबद्ध हो गया, 3 युगों में जीव कम जाएंगे बहुत ही नाम मात्र, और कलयुग में इन
प्राणियों को मनुष्यों को भक्ति योग नहीं रहने दूंगा। इतने गलत शास्त्र, गलत संत, नकली संत भेज के तीर्थ व्रत मूर्ति पत्थर पहाड़ों की पूजा में, पानी तीर्थों की पूजा में लगा दूंगा और इनके न्यारे नरे धर्म बनवा दूंगा और उल्टा ज्ञान प्रचार करवा के शास्त्र विद साधना पर आरूढ़ कर दूंगा। ज़्यादातर नास्तिक हो जाएंगे कलयुग में और गलत गुरु संत नए ऋषि भेज करके उल्टा ज्ञान प्रचार करवा दूंगा और जिसमें इस ये जोग जीत आवेगा या उनका कोई संदेश वाहक आएगा। इस काल के न्योना जचरी के कब परमात्मा भी आते हैं यहाँ पे, यो पहचान ना पाता उसको। तो अगर इसने नो पता लग जा भगवान आ रहे हैं, जिसका कर्जा पट जा, हार्ट अटैक हो जा। इसलिए परमात्मा एक सिंपल रूप में ऐसे रहते हैं, किसी का भी ना जसदेव भगवान होंगे, इस रूप में वो प्रभु आ जाते हैं। तो तब इस काल ने कहा था कि जा जोग जीत बेसिक जा नीचे, कल इसे मैंने ऐसी पट्टी पढ़ा दी है, अभी पढ़ा रखी है वैसे तो, और फिर तो और गणी पढ़ा दूंगा कलयुग में जब तू जाएगा, कि कोई भी तेरे इस यथार्थ ज्ञान को सुनने को तैयार नहीं होगा। तू कहेगा ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, ये पूज्य योग इन ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, इनकी पूजा से मोक्ष नहीं है, तेरा सिर फोड़ेंगे, इसे रंग दूंगा उनको रंग में। काल फिर खुश हो गया, क्यों बन गया काम इसका, गर्ज लिकड़ी बच्चा सुखी। क्या कहने लग गया, द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, द्वादश पंथ नाम जो ले ही वो हमरे मुख आन समोही। 12 पंथ नकली शुरू कर दूंगा, कबीर पंथ, कबीर साहब, कबीर साहब, कबीर भगवान कहेंगे, ये 12 पंथ कबीर वाले। फिर कहते हैं और अनेक पंथ में चलाऊं, ओहो या विद जीव को भरमाऊं। इब और पंथ, ये राधा स्वामी पंथ, दंदन सदगुरु पंथ, ये बाल योगेश्वर वाले, ये हंसा देश वाले, निरंकारी वाले, और की तो देख लिया ब्रह्मा कुमारी वाले की तो, ये और दिव्य ज्योति वाले निर्विवरण कितने चालू कर दिए। किसी के पास कैखे का ज्ञान नहीं, अध्यात्म ज्ञान है, कोई आधार नहीं इन लोगों का, ये सब काल के चलाए हुए हैं। अपरमात्मा ने कहा था कि ये मेरा काम है, तू अपना काम कर लिए, जो तू करे फिर माफ देख लूंगा। अब पुण्यात्माओं के मन में ये शंका आती है कि भगवान ने ये 3 युगों में मैं कम जीव ले जाने का क्यों वचन दे दिया। पुण्यात्माओं सतयुग त्रेता द्वापर में वो पुण्य प्राणी जन्म लेते हैं जो पिछले जन्म के संस्कारी, अच्छे संस्कारी होते हैं, वो सभी भक्ति करते हैं, समाधिस्थ की आदत आड़े डाल ले देता है कि सन देख ले, नो हठ योग करें पाओगे, नो बैठ जा समाधि ला के, और सब इतने सुखी होते हैं सतयुग में कि लाखों वर्ष की आयु होती है, सुंदर शरीर होता है, और उसमें बहुत से ऐसे गुण होते हैं कि पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, स्त्री विधवा नहीं होती, और बहुत सुंदर आहार, बाग बगीचे, बड़े सुंदर फल, अच्छा वातावरण, राग द्वेष बहुत कम, यानी कोई भी परमात्मा की भक्ति को जो वो कर रहे हैं उसको त्यागने को तैयार नहीं होता, और वो सारी शास्त्र विरुद्ध होती है, वो नहीं त्यागते क्योंकि वो पिछली बैटरी चार्ज है, उसके कारण वो सुखी है, और वो सोच रहे होते हैं कि जो साधना वर्तमान में मैं कर रहा हूँ इससे मुझे लाभ है, और कलयुग में क्या होगा कि वो बैटरी कति डिस्चार्ज हो लेगी हमारी, और इतने दुखी हो जाएंगे, परमात्मा को पता था कलयुग में इनके ऊपर इतना पहाड़ टूटेगा पापों का, अब पुनों की मलाई तक कुछ स्वर्गमठ खाली, कुछ सतयुग त्रेता द्वापर में पुनों के कारण को अच्छे जन्म मिल गए, अब मनुष्य जीवन भी जो शेष को संस्कार था वो ऐसे दुखी हैं, चाहे यहाँ पर कितना भी कोई राष्ट्रपति है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे कोई कितना अच्छा सेठ है, उसके कोई न कोई बीमारी ऐसी जबरदस्त चिपकी हुई है कि उसको टेंशन बढ़ी है, या कोई और समस्या ऐसी पावेगी जो कभी किसी कारण से भी वो ठीक नहीं हो पा रही। तो परमात्मा कहते हैं जब मैं आऊँगा और ये सब पंथ चल लेंगे, ये अपनी कथा कहानी सुना के फाइनल कर लेंगे, और इनके द्वारा की गई पूजा से किसी को लाभ नहीं होगा, और फिर दास या तो खुद भगवान आते हैं या अपना दास भेज दिया, अब उन्हीं के द्वारा दिए गए उस मंत्र से ऐसा लाभ होता है देखते रह जाते हैं, तो परमात्मा को पता था कि मेरी शक्ति वो अपरंपार है,
जो मेरी शरण में इस सतनाम सच्चे नाम का जाप करेगा हमारे संत से लेकर के, वो तुरंत सुखी होगा और डंडोरा पीट देगा बीसों के पास जा करके। तो ऐसे फिर मैं अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी पहचान बनाकर अपने शरण में ले लूँगा। अब यहाँ मेरे पास बहुत ढेर सारे पत्र रखे हैं जिन जिन जिनको सुख हुआ, और पहले कितने महादुखी थे। एक परिवार की कहानी सुनान लग जाए तो एक पूरा दिन का सत्संग हो जावे, इतने सुख दिए भगवान ने। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने स्वयं ही आना पड़ता है अपने अपनी महिमा आप बताने के लिए। वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम होता है प्रभु का, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर देव से, कबीर प्रभु नाम से वो परमात्मा आते हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय।